15 मिनट तक फिर हाउस से एडजर्न करता हूं और फिर कहने वाली आप एक्सपेक्ट करता हूं बिहेव लाइक अ पार्लियामेंटेरियन डोंट आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं करें। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया, यानी कि 12:17 पर अब विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। एक बार फिर से हंगामे के बीच में 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो डिमांड कर रहे हैं वो तीन डिमांड है। पहली डिमांड कि ये जांच की जाए कि इस गलती के पीछे कौन। दूसरी डिमांड, जो भी सदन के अंदर हुआ इसको सदन की कार्यवाही से निकाला ना जाए, ये रिकॉर्ड में रहे। और तीसरी मांग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए माफी मांगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मामले को शांत करने के लिए जाती खुद ये कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरी त्रुटि के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाना और सदन की कार्यवाही को चलाना ये दोनों उनकी जिम्मेदारी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के माफी मांगने के बाद भी ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। विधानसभा अध्यक्ष ने दो बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बजट पेश करने के लिए अलाउ किया, लेकिन हंगामे के बीच, नारेबाजी के बीच बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पढ़ पाए। हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, दो बार विधानसभा अध्यक्ष ने अलाउ किया बजट पढ़ने के, लेकिन हंगामा भारी है और विधानसभा अध्यक्ष खुद माफी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मांगों पर बीजेपी अड़ी हुई है, आपको इसका कोई समाधान दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, विधानसभा के इतिहास में पहली बार यह घटनाक्रम हो रहा है जब बजट भाषण के दौरान ये दूसरी बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार वेल में बैठा है, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। स्पीकर सीपी जोशी ने और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार उनसे अपील की, नियमों का हवाला दिया, परंपराओं का हवाला दिया, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के विधायक है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, इस कारण से दूसरी बार विधानसभा कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हालांकि जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा कि ये मानवीय भूल थी, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम था वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वे खुद इसके लिए सदन में माफी मांगते हैं। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी ये मांग थी कि सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो माफी मांगे और साथ में आज की जो कार्रवाई है उसको डिलीट ना किया जाए। ऐसे में स्पीकर ने कहा कि जब मैं खुद माफी मांग रहा हूँ तो फिर और किसी के माफी मांगने की कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली मैं इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, वो ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री माफी मांगे। इन दोनों में अंतर है, क्योंकि इस वक्त वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री का नाम लिया विजन जी कि मुख्यमंत्री इसके लिए माफी मांगे, और इसलिए जो स्पीकर है उन्होंने पूरी अपनी व्यवस्था दी और उन्होंने कहा कि जब मैं खुद माफी मांग रहा हूँ आज के इस घटनाक्रम के लिए जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था, ये जो अनहोनी थी, जो नहीं होना था लेकिन मानवीय भूल हुई है, इसके बावजूद वो माफी मांग रहे हैं। और ऐसे में इस दौरान उनकी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उनसे इसी की नोकझोंक भी हुई है और स्पीकर ने उनको कहा कि आप पहली बार विधायक बने हैं और आप गलत परंपरा डाल रहे हैं। साथ में भाजपा को भी काफी खरी खोटी स्पीकर ने सुनाई जो अब रिकॉर्ड पे है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो अभी स्थिति बनी हुई है फिलहाल इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। हालांकि खुद सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उन्होंने खुद अपील की है विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष के विधायकों से कि, और उन्होंने बताया कि ये पूरी स्थिति क्या थी, किस कारण से ये गलतफहमी हुई, किस कारण से ये तमाम चीजें हुई, उसके लिए उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया और साथ में उन्होंने कहा कि वे इस बजट को सुने क्योंकि पूरा प्रदेश है वो इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का तेवर हमें दिखाई दे रहा है उससे फिलहाल ये जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। अब चूंकि 15 मिनट के लिए फिर से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है तो उसके बाद अब क्या आगे स्थिति बन पाती है, क्या सदन चल पाएगा, क्या मुख्यमंत्री बजट पेश कर पाएंगे। मंत्री धारीवाल ने भी एक पर्चा अपने हाथ में लिया हुआ था और वो उसके ऊपर इशारा करते हुए कह रहे थे कि देखिए बीजेपी के वक्त में कितनी गलतियां हुई है। हालांकि उस तरह विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अलाउ नहीं किया, लेकिन जानकारी लग पाई उसमें क्या कुछ था? देखिए विजेंद्र, दूसरी बार जो स्थिति ये खराब हुई है वो एक्चुअल में जब शांति धारीवाल अपनी सीट पे खड़े हुए थे तभी हुई, क्योंकि एक बार जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने अपने तमाम जो
अपने विधायक उनको सीट पर बैठा दिया था और ऐसा लग रहा था कि अब स्पीकर की व्यवस्था देने के बाद में सदन चलेगा, लेकिन धारीवाल जो खड़े हुए थे उनके हाथ में जो पर्ची थी उसमें यह था कि इससे पहले कब इस तरह की गलतियां हुई है, कब मानवीय भूल हुई है, बजट को सुधारा गया है, तमाम रिकॉर्ड वो बताना चाहते थे। और जब इसके कारण से विपक्ष के जो तमाम विधायक है उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो उसके बाद जो है वो किसी मंत्री को कड़ा होकर बोलने की इजाजत कैसे मिलती है।